टॉपिक ये रहेगा कि बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, फोन करते हैं, बातचीत करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, वो एक सवाल पूछते हैं बार बार कि सर जब ये बिजनेस आपने शुरू किया उसमें ना ज्यादा प्रोडक्ट थे, ना डिलीवरी सेंटर थे, ना कोई इनकम का एग्जाम्पल था, आप ऑलरेडी लेक्चरर थे हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट जॉब में थे, क्लास टू पोस्ट पे काम कर रहे थे, साथ साथ एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर चला रहे थे, उस समय आपने क्या देखकर आरसीएम शुरू किया। तो आज का पहला विषय मेरा यह रहेगा कि मैंने ऐसा क्या देखा कि मैंने कोचिंग सेंटर को बंद करके, नौकरी को छोड़ के इस बिजनेस को शुरू किया, इस बिजनेस में अपना करियर बनाया। तो पहला विषय मैं बात करूंगा मैंने आरसीएम क्यों किया। दूसरा विषय मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं आज, इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो माहौल बन रहा है, जो तरह तरह की न्यूज आ रही है, जो एक्सपर्ट के डाटा आ रहे हैं, सारे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इस समय इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे सुटेबल कंट्री है। अभी 27 मई को भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी ने डायरेक्ट सेलिंग पर एक वक्तव्य जारी किया। उन्होंने स्पष्ट एक लीडर की तरह बात की, उन्होंने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय की इंडिया की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने आरसीएम बिजनेस क्यों किया, मेरा परिचय, नाम श्रीचंद अत्री, हरियाणा का रहने वाला, पिछले 20 साल से इस बिजनेस के साथ काम कर रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। आज से 20 साल पहले जब मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की जॉब पे काम कर रहा था, साथ में कोचिंग सेंटर चला रहा था, मेरे एक साथी ने, मेरे एक दोस्त ने, जब मैं कोचिंग सेंटर पर कोचिंग ले रहा था, मुझे आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखाया। क्योंकि मैं इस फील्ड को जानता नहीं था तो मुझे लगा यदि पूरी बात सुन ली गई तो एक कोचिंग का बैच खराब हो जाएगा। मैंने बिना पूरा प्लान देखे इस बिजनेस को ज्वाइन किया, क्योंकि ज्वाइन करने के लिए सिर्फ 5 पैंट लेनी होती थी, एक किट मिलती थी 5 पैंट के, और 2-4-5 मिनट में मेरी ज्वाइनिंग होगी। मैंने एक फॉर्म पर साइन कर दिया, पीले रंग का एक फॉर्म आता था, और मेरा बिजनेस ज्वाइन हो गया, मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया। लेकिन यह स्टार्टिंग नहीं है, मेरा कहने का भाव क्या, आपको ज्यादातर लोगों की ज्वाइनिंग किसी भी प्रकार से हुई हो, ऑब्लिगेशन में हुई हो, समझकर हुई हो, तर्क वितर्क देके हुई हो, जैसा भी हुई है, ये सिर्फ ज्वाइनिंग हुई है। असली स्टार्टअप होता है उस व्यक्ति को किसी मीटिंग या सेमिनार में लेकर जाना, जैसा मैं अक्सर बोलता हूं। और मुझे कुछ समय के बाद एक मीटिंग में ले जाया गया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मुझे एक मीटिंग में ले जाया गया, क्योंकि नया व्यक्ति जाता नहीं है, वो बहुत सारे बहाने बनाता है, लेकिन ले जाना पड़ता है उसको। और यदि आप उसको ले जा पाते हैं तो वही मीटिंग में जाके, उसी सेमिनार को देख के उसके डाउट्स क्लियर होते हैं, वो बहुत सारी बिजनेस की बातों को सीखता है, और वहीं पर वो फैसला करता है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जब मुझे मीटिंग में ले जाया गया, बहुत सारी बातें मुझे सुनने को मिली, बहुत सारी चीजों को मैंने देखा, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था तो ज्यादा चीजों से मैं रिलेट नहीं कर पाया। लेकिन जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, पैसिव इनकम ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, लेकिन उसके बाद एक ऐसी चीज, एक ऐसा वक्तव्य, एक ऐसा डायलॉग मुझे सुनने को मिला जो सीधा यहां लगा। और मेरा मानना है कि मीटिंग से 3 काम होते हैं, या तो मीटिंग किसी को जगा देती है, या रुला देती है, या हंसा देती है। यदि इन 3 में से कोई भी एक काम हो गया तो आपकी मीटिंग सक्सेस हो जाती है। और उस बात ने मुझे जगा दिया, यहां लगी वो। और जैसे ही वो बात चल रही थी, वो मीटिंग थी आदरणीय ओपी शर्मा साहब की, रवि शर्मा जी के फादर, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, राजस्थान गवर्नमेंट में एक बड़े पोस्ट पर काम कर रहे थे। उन्होंने एक लाइन बोली, वो कहते हैं ना कि जोर का झटका धीरे से लगा, उन्होंने एक लाइन बोली, नौकरी करके आज तक ना कोई व्यक्ति अमीर बना है और ना अमीर बनेगा। और जैसे ये लाइन बोली, एकदम मुझे इस लाइन ने हर्ट किया, क्योंकि मैं गांव का, मेरी परवरिश हुई है, मेरे पिताजी अनपढ़ किसान रहे हैं, किसान बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूं। हमारे घर में, हमारे नहीं, अक्सर बहुत सारे लोगों के घरों में ये चर्चा होती है कि यदि किसी परिवार का बच्चा पढ़ जाए और पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी लग जाए तो उस परिवार की दिशा बदल जाती है, परिवार के हालात बदल जाते हैं।
और जैसे ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया और मैं लेक्चर लगा तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की घड़ी थी, मेरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि हमारे घर का कोई बच्चा लेक्चरर लगा है। और उस मीटिंग में बताया गया कि नौकरी करके आज तक कोई व्यक्ति ना अमीर बना है और ना बनेगा। मीटिंग कोई बहुत बड़ी नहीं थी और उस समय उस मीटिंग में क्वेश्चनिंग भी हो रहा था, और जैसे ही ये लाइन बोली गई मैंने तुरंत हाथ खड़ा किया और मैंने क्वेश्चन किया कि सर आई एम नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। तो उन्होंने पूछा क्यों, मैंने कहा सर नौकरी करके क्यों नहीं अमीर बना जा सकता, मैं लेक्चरर हूं, अगला पे स्केल आएगा 6th pay scale 7th pay scale आएगा, हमारी इनकम लाखों में पहुंच जाएगी, आगे प्रमोशन होगी, तो नौकरी करके सर बहुत पैसा आता है। उन्होंने कहा आप अभी अंधेरे में हैं, नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं, जो रोजी रोटी अच्छी हो सकती है, अच्छी लाइफ हो सकती है, लेकिन अमीर नहीं बना सकता भाई साहब। तो मैंने पूछा क्यों, उन्होंने एक लाइन बोली जो मैं अक्सर बोलता हूं और आज आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि उस समय आपकी सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती थी, ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, जहां पर मैं नौकरी करता था वहां क्लर्क मुझे पैसे गिन के देता था, सबको ये तनख्वाह गिन के मिलती थी। तो उन्होंने एक लाइन बोली, नौकरी में आपको हमेशा गिनकर मिलता है, चाहे वो कितना भी मिल रहा है वो गिनकर मिलता है, जब आपको गिनकर मिलता है तो आप उसको गिनकर ही खर्च करते हैं, और गिनकर कमाने वाले और गिनकर खर्च करने वाले को कभी अमीर नहीं कहा जा सकता है। और जैसे यह बात सुनी मैं एकदम सहम गया कि बात तो सही है, जैसे मुझे तनख्वाह मिलती है पर्स थोड़ा सा मोटा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, पैसे आ जाते हैं, लेकिन घर आते आते भाई साहब 50% पैसा तो खर्च हो जाता है, रास्ते में बहुत सारे लोगों के बिल पे करने होते हैं, 15 तारीख तक आते आते 60-70% सैलरी खर्च हो जाती है, 25-26-27 तारीख आते आते बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, और फिर क्या होता है लास्ट के 3-4-5 दिन में पर्स की जेब में, पतले वाली जेब में, छुपी हुई जेब में एक 500 का नोट 4 बार मोड़ के रखते हैं हम, और छुपा कर रखते हैं इसलिए कि यदि यह टूटा तो गया, और यदि उस समय घर वाले घर वाली बच्चे को डिमांड कर दे तो हम क्या बोलते हैं 2 दिन रुको 1 तारीख आई और फिर अमीर। और मेरे दोस्त पूरी जिंदगी ये चक्कर चलता रहता है, अमीर बनते नहीं है, अमीरों के ख्याल जरूर रखते हैं। और मुझे लगा कि ये बात तो सही करें हैं, नौकरी में गिनकर ही मिलता है तो इसलिए नौकरी से अमीर नहीं बना सकता। लेकिन उसके आगे की लाइन क्या बोली, यदि आपको अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। और जैसे यह बात बोली मैंने मेरे कई साथियों को बिजनेस करते देखा, बड़े परेशान रहते थे, और जैसे उन्होंने कहा कि नौकरी करके अमीर नहीं बना जाता, बिजनेस करके अमीर बना जाता है, तो मैंने उनसे पूछा सर क्या गारंटी है कि बिजनेस करके अमीर बना जाएगा, उन्होंने कहा नो। तो फिर आप बोल रहे कि बिजनेस करके अमीर बना जा सकता है, उन्होंने कहा नहीं बिजनेस करके अमीर नहीं बना जाता। लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दिखाई जे पॉल गेटी की, यदि आपका बिजनेस इन 4 सिद्धांतों पर खरा उतरता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकती है। तो क्या बताया, पहला आपका अपना बिजनेस होना चाहिए, नंबर 2 उस बिजनेस के प्रोडक्ट डेली कंज्यूमेबल हों, FMCG के प्रोडक्ट हों, तीसरा उस बिजनेस में इनकम के डिफरेंट लेवल हों, और चौथा वो बिजनेस केवल आप पर निर्भर ना हो, वो डुप्लीकेबल हो, आपके अलावा हजारों लोग उस काम को कर रहे हो तब भी आपके घर में इनकम आए। यदि आपका बिजनेस 4 सिद्धांतों पर खरा उतरता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकती। और फिर उन्होंने कहा RCM बिजनेस इन 4 सिद्धांतों पर 100% खरा उतरता है। नंबर 1 योर बिजनेस, यदि आपने RCM का ऐप डाउनलोड कर रखा है, आप उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड भरते हैं, आपका होम पेज खुल जाता है और उसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइन है भाई साहब, उनको क्लिक करके देखना, 3rd number पर क्या लिखा है योर बिजनेस, क्या मैसेज है इसका, वो 2000 का है, 2 लाख का है, 2 करोड़ का है, 20 करोड़ का है, वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है ये आपका अपना बिजनेस है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है ये किसी और का है, ये आपका बिजनेस है भाई साहब। इसका मतलब RCM बिजनेस जे पॉल गेटी के पहले सिद्धांत पर खरा उतरता है। सेकंड, यहां पर सारे के सारे प्रोडक्ट डेली कंज्यूमेबल है, आपने इस बिजनेस के जो भी प्रोडक्ट खरीदे हैं या आप खरीदने वाले हैं, कोई भी उठा के देखिए, आप बिस्किट लेते हैं, चाय लेते हैं, आप हल्दी मिर्ची लेके आते हैं, आप पेस्ट लेते हैं,
आटा लेके आते हैं, मसाले लेके आते हैं, साबुन लेके, वो कंज्यूमेबल तो हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आरसीएम बिजनेस जे पॉल गेटी के दूसरे सिद्धांत को भी पूरी तरह से सही साबित करता है। एंड द थर्ड, यहां पर इनकम के बहुत सारे लेवल हैं, डिफरेंट लेवल से आपको इनकम आती है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, यह बिजनेस डुप्लीकेबल है, यह केवल आप पर निर्भर नहीं है, आप एक नेटवर्क बनाते हैं और आपके नेटवर्क में आपसे भी अच्छे लोग आने की संभावना होती है, आपसे भी ज्यादा मेहनत करने वाले लोग आते हैं, आपसे भी बड़ी इनकम का ड्रीम लिखने वाले लोग आपकी टीम में आते हैं, और जब वो काम करते हैं तो उनके काम का फायदा आपको भी होता है, यानी वो केवल आपके भरोसे नहीं चलता। इसका मतलब ये हुआ, ये बिजनेस जे पॉल गेटी के चार सिद्धांतों पर खरा उतरता है। इसका मतलब ये इस बात के इशारा करता है, ये आपको अमीर बना सकता है। और जैसे ये बात आई, मुझे लगा कि मेरा काम जो मैं कर रहा हूं वो तो मेरे एफर्ट से चल रहा है, वो तब तक चलेगा जब तक मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन यदि मैं इस बिजनेस को करता हूं तो ये मुझे अमीर बना सकता है। और वहां ये बताया, ये बिजनेस ट्रांसफरेबल है, उसके बाद आपके बच्चे के नाम, उसके बाद उसके बच्चे के नाम, पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम दे सकता है। और मैंने तुरंत उस मीटिंग में फैसला किया, इसको करना चाहिए। इसलिए उस समय ना प्रोडक्ट थे, ना डिलीवरी सेंटर थे, ना ऑनलाइन सिस्टम था, ना कंपनी की जानकारी थी, ना कोई इनकम का एग्जाम्पल था, तो मैंने इस बिजनेस को प्रोडक्ट देख के ज्वाइन नहीं किया, किसी की कार देख के ज्वाइन नहीं किया, कंपनी को देख के ज्वाइन नहीं किया। मेरे दोस्त, मैंने इस बिजनेस को विजन देख के ज्वाइन किया, फ्यूचर देख के ज्वाइन किया कि यदि ये ऐसा हो गया और जब ये बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा, सारा सिस्टम बड़ा हो जाएगा और लोग इस बिजनेस को शुरू करेंगे, तो मुझे इस बिजनेस में कामयाब होने से दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो इसलिए पहला पॉइंट मैंने क्यों किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि ये फ्यूचर का बिजनेस है और ये दुनिया की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, दुनिया का आठवां अजूबा इसको कहा जा सकता है।